सतगुरु दोस्तों, सोनालीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीरा राइस बनाने वाले हैं। दो कप बासमती चावल पानी डाल के 10 से 15 मिनट भिगो लेंगे। अब हमारा चावल भीग चुका है। मैंने इसे 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। अब हम कुकर लगाएंगे। कुकर में आधा चम्मच घी डाल रही हूँ। चावल डालेंगे। चावल को हम घी में मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, पानी डाल लेंगे। आप पानी अपने अनुसार डाल लें। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। बंद करके दो सीटी ले लेंगे। अब हमारा चावल पक चुका है। हम इसे जल्दी से प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकाल के इसे फैला लेना है। इससे हमारा चावल खुला खुला होगा। अब हम तड़का देंगे। तड़के के लिए 2 चम्मच घी डाल लें। तेज पत्ता डालेंगे 1। 2 चम्मच जीरा। 2 चम्मच जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1 कटा हरी मिर्च डालेंगे। आधा गाजर के टुकड़े, आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर मिक्स कर लें। स्वाद अनुसार नमक। पहले हमने नमक कुकर में चावल पकाते वक्त डाल लिया था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही डाला है नमक। अब हम पका हुआ चावल डाल लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है। हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे। फ्लेम को बंद कर लें। अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन और हमारे रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें।